सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड के अंदर दिक्कत क्या है कि ना तो अपनी इच्छा से लेते हैं और ना अपनी इच्छा से बेचते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा डाल रहा है उस केस में इनको लेना ही पड़ेगा, और एक रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले कि ये आदमी मुझे कमा के देगा। कमा के कैसे देगा वो, उसके अपने हाथ में ना तो लेना है ना बेचना है। कल को मान लो कोई दिक्कत आ गई, वर्ल्ड में कोई परेशानी आ गई, या उसको खबर लग गई, या उसको कुछ इस तरह की सेंस हो गई, तब भी वो माल नहीं काट सकता क्योंकि आपने मांगा नहीं सर, हमने काटा नहीं। आप जब रिडेम्पशन करोगे तो ही तो काटेंगे हम, क्योंकि कैश तो हम होल्ड ही नहीं कर सकते। तो आप मांग लेते तो हम काट देते। ओके, मैं मांग लेता, मुझे पता ही कुछ नहीं है, मैंने तेरे भरोसे माल दिया, मैंने तेरे भरोसे पैसे लगा दिए, अब काट तो तू, अगर निकालना तो मुझे निकाल बाहर। आज अगर मान लो कोई हाई तो वह मच रही है तो मुझे बाहर निकाल भाई यहाँ से। वो कह जी आप निकलो जी अपने आप। अब बताओ, अब वो बंदा जिसको खुद कुछ पता नहीं है वो निकले भी अपनी मर्जी से और आए भी अपनी मर्जी से। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी।